साथियों, एक बहुत अहम बात थी जिसकी वजह से मुझे स्टेज पे आना पड़ा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कुछ मीडिया के साथियों ने बताया, कुछ और विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सरकार शायद आज या कल रात को मुझे जबरदस्ती उठा के यहाँ से सरकारी अस्पताल में ले जाने की कोशिश करें। एक तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि मेरे स्वास्थ्य की परवाह चिदंबरम साहब से ज़्यादा इस देश के लोगों को है। वो मुझे उठाने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि मैं आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रहा, यहाँ बलिदान देने के लिए बैठे हैं। दोनों में फ़र्क होता है। तीसरी बात, अंग्रेज़ों, ये जो आईपीसी बना था, ये जो कानून बना था, ये 1860 में बना था। अंग्रेज़ों के टाइम में भी ये कानून था। गांधी जी तो 25-25 दिन का अनशन करते थे। अंग्रेज़ों की सरकार ने तो उनको नहीं उठाया कभी। ये हमारी सरकार अंग्रेज़ों से भी बदतर हो गई है क्या कि बलिदान देने वाले लोगों को आत्महत्या कह के उठाने की कोशिश कर रही है। तो इसके पीछे मुझे कुछ साजिश नजर आ रही है। बताते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया था। स्वामी नित्यानंद जी की हत्या कर दी गई इसी बहाने, वो भी आमरण अनशन के ऊपर थे, उनको उठा के अस्पताल में डाल दिया गया। जब तक वो कई दिनों तक अनशन करते रहे, उनकी सेहत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने जबरन उनको अस्पताल में भर्ती किया और कुछ दिन के बाद वो उनकी जान चली गई। तो मुझे लगता है कि मेरी जान से खिलवाड़ करने की ये साजिश है सरकार की। इस वक्त मेरे सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा है, होना लाजमी है। आज 8वां दिन है, चलने में बैठने में तकलीफ है। तो सरकार क्यों उठाना चाहती है हमको, इसके पीछे साजिश है। तो अभी तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर यहाँ आते थे, हमारी रिपोर्टें ले जाते थे। आज से हम उनको रिपोर्ट देना भी बंद कर देंगे। हमें सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के ऊपर कोई भरोसा नहीं। अगर सरकार जबरदस्ती उठा के अस्पताल के अंदर मुझे डालती है, तो उस अस्पताल से बाहर निकलवाने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में होगी।